हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है तुम्हारे सभी रा हरे चैनला पर। कने मेरा नाम है मधु। अपनी भाषा च बोलो थोड़ा थोड़ा, है ना? कुछ अपनी भाषा जे, कने कुछ हिंदी जे। पता है हिंदी जे कौन बोलूँ ज़्यादातर? कई लोग बोलूँगे भाई तेरी भाषा च बोलिया करो, भाई हिमाचली भाषा च बोलिया करो। पता क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना, जिन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आप सबकी वजह से। तो आप सब में ऐसे भी बहुत सारे हैं जो इत्थर ही मतलब हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, तो मुझे तो उनको भी देखना पड़ेगा ना। मुझे तो आप सबका प्यार मिला है, तो कहती कहती अपनी भाषा, तो कहती कहती ये अपनी हिंदी है ना। इन्हू तो बाट ही देखो ना, पर चलो बता दूँ तुम्हें। आज मैं तुम्हें पता क्या दसना, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा मेन गेट लग चुका है, मेन जो दरवाजा वो लग चुका है, और चिमनी के बारे में। जो चिमनी बोला था ना किसी किसी ने नहीं, कई लोगों ने बोला था कि चिमनी को ना अच्छी तरह से दिखाओ, जो आपने चिमनी निकाली ऊपर धुएं वाली, तो आज उसका उसको दिखाएंगे ढंग से लेंटर पे जाके। और अभी मैं ना बिल्कुल नहीं देख सकती आप लोगों की तरफ, बैक कैमरा करती हूँ। तो क्या होता है ना, धूप लगी है ना देखो जैसे, तो धूप में ना सारे महोदय भगवान शिव शंकर के जो, ये देखो कुछ ये भी था, ये क्या था भाई, मेरे को तो डर लगे इनसे। सारे बाहर आए रहते हैं सांप वगैरह, ठीक है, तो इसलिए जो है ज़्यादा मतलब रास्ते की तरफ ध्यान। मैं आगे करती हूँ आप लोगों से बातें, है ना, थोड़ा सा ऐसे दिखाती रहती हूँ व्यू। गड्डी परी छवारां दी तुह बोलना भी चश्मा के लटकाऊ रहा, पता इतने घा बिच फातू है ना, इतने जो मतलब क्या बोलूँ अपने भाषा से, हिंदी क्या बोलूँ मैं, घास में फंसता है ना ये, घास ना सिर के ऊपर से आगे को आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको पार ही लगाऊंगी। चलिए अभी हम पहुंच चुके हैं काऊ शेड में, काऊ शेड ही बोला जाता है वैसे, ये घर है। तो ये है हमारी रसोई, और आज मैं स्पेशली वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये कैसे बनाते हैं आपके इस तरह का चूल्हा, कहाँ निकलती है ये चिमनी। तो चलो मैं बता देती हूँ, आप देख रहे होंगे कि कैसे बना है ये। और ये जो स्पेस है, ये जो ये वाला स्पेस है अंगीठी का, चिमनी ये चूल्हे का, तो ये अपनी मर्जी से हम रखवा सकते हैं, ठीक है। थक गई मैं पास से आते आते। और यहाँ पे जो लकड़ियों के लिए रखा जाता है हमारे, कि यहाँ से पीछे खिड़की से पीछे, यहाँ से पीछे आएगा, यहाँ से परे को, और ये वाला पोर्शन जो है लकड़ियाँ, यहाँ पे लकड़ियाँ रहेंगी, ठीक है, इसको बंद कर देंगे बाद में। और देखो नीचे से यहाँ, तो ये देखो इसको हम ऐसे चुनते हैं, और फिर ये निकल जाती है ऊपर तक, ठीक है। ऊपर भी मैं दिखाऊंगी आपको, पहले ऊपर ही चल लेते हैं ना। ये देखिए ये हो गई ना है, अभी ऊपर लेंटर के ऊपर दिखाती हूँ मैं कि किस तरह से ये निकलती है, बाकी फिर आते हैं यहाँ पे रसोई में। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये ऊपर निकल गई, वही नीचे किचन वाली जो अंगीठी है, ये देखो लेंटर यहाँ से तोड़ के, अगर चिनाई पहले हो तो ये तोड़ना नहीं पड़ता, जगह ऐसे ही छूट जाती है, लेकिन ये यहाँ पे तोड़ना पड़ा था लेंटर, क्योंकि लेंटर पहले डाल दिया था, ठीक है। और इस तरह से इसको 2-3 फुट ऊपर लेके, तब ये धुआं ना अच्छी तरह से खींचती है ऊपर को, और फिर ये वाले जो स्पेस हैं, ये वाले स्पेस इस तरह से, ये देखो इस साइड को, आपने यहाँ पे मैक्सिमम सभी घरों में यही देखा होना, इस तरह की अंगीठियाँ, चिमनियाँ और इसी तरह के चूल्हे, और यहाँ पे ये इन्होंने इस चूल्हे पे रखने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो ये है ना, ये लैंटर डाल यहाँ पे, ये यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे इसको, 2-4 बंदे उठाते हैं इसको, ऐसे नहीं उठाया जाता, तो इसको इसके ऊपर रख देंगे, फिर पानी अंदर नहीं जाएगा, समझ गए होंगे आप, है ना। बहुत से लोगों ने बोला था कि ये वाला सिस्टम बता देना, तो चलिए अभी फिर नीचे किचन में चलते हैं, बाकी का बताती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे ना अभी काम लगा ही है, तो इसको ये नीचे सोलिंग के काम आ जाएगी, इसको हम इकट्ठा कर देंगे यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो यहाँ जो मैंने लाइन लगाई ना, इस ये जो अंगीठी है, नीचे अंगीठी है, ऊपर को चिमनी बोल देते हैं इसको, तो यहाँ से बनेगी सेल्फें, ठीक है। ये देखो ये मैंने ऐसे लगाई अपने आइडिया जैसी लाइन है, यहाँ से सेल्फें आ जाएंगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक,
और ये फिर मैंने यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया है इस तरह को, समझ गए आप। और जो ये वाला स्पेस बचता है हमारा थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम जो है फ्रिज के लिए जगह रखेंगे, है ना। तो फ्रिज तो होता ही है सबके घर में होता है, किचन में, तो फिर अच्छा लग जाता है ये। और ये यहाँ पे गैस की सेल्फ आएगी, इस तरफ को रख लो गैस की तरफ, या इस तरफ को रख लो, जहाँ भी रखनी हो। और एक साइड चिमनी आ जाएगी, और फिर ऊपर भी सेल्फ हम लगा देंगे, उनको बंद कर देंगे फिर, है ना, जिस तरह से होती हैं अच्छे किचनों में। लेकिन चूल्हा तो हमारे बनता ही बनता है। ये देखो ये चला गया ऊपर को, ये देखो। और एक दरवाजा हमने यहाँ से रखा है परे को, ये वाला दरवाजा हमने परे को रखा हुआ है, ये देखो। मतलब अंदर से ये दरवाजा ऐसे ही रखा हुआ है, ताकि मतलब कभी भी ऐसा होता है कि बाहर से ना, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ना था यहाँ से वो परे घूम के, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से फिर अंदर होनी थी एंट्री इस तरह से। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बातें शेयर करके, और हर रोज़ एक नया जैसा डिज़ाइन बनाती रहती हूँ। अच्छा यहाँ से यहाँ को करेंगे, इस साइड को करेंगे, नहीं यहाँ पे ये करूँगी मैं, मतलब अकेले ही सोचती रहती हूँ, अकेले ही ये कि, और फिर आप लोगों के साथ बातें शेयर कर देती हूँ। और यहाँ से जो है मतलब बहुत सारे हमें बेनिफिट हो जाएंगे, जैसे पशु भी यहीं पर रहेंगे हमारे, हम खुद भी यहीं पर रहेंगे, तो अच्छी तरह से उनकी केयर होगी। और बारिश के हमें इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, जैसे बारिश के हम घास नहीं लाते तो स्टोर किया हुआ घास दे देते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू अपने रसोई के दरवाजे से बैठ के दिखा देती हूँ। यहाँ बैठती हूँ मैं, एक मिनट। ये यहाँ पे ये है, और ये इन्होंने मिट्टी फैला दी है, मतलब जो मिट्टी थी ना इकट्ठी की हुई है, और ये फैला दी। और अभी मुझे ना इस दीवार का खतरा है, ये जो दीवार है ना, इस दीवार का खतरा है मुझे, क्योंकि ये कभी भी जा सकती है, और बहुत खर्चा किया है इसके ऊपर हमने। तो अभी देखती हूँ इसको जो है नरेगा में डलवाऊँगी, पंचायत के वो लैंड डेवलपमेंट का होता है ना, जिसमें डंगे वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको देखती हूँ अगर हो सका, पॉसिबल हुआ तो ये दीवार कभी भी जो यहाँ से निकल सकती है। ये देखो इसमें पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं रखी हुई है, और अभी मेरे को मतलब नीचे की तरफ लग रही है ऐसे कि जैसे नीचे को होगी है, ये देखो। तो यहाँ पे पानी निकालने के लिए कहीं भी जगह नहीं रखी हुई है, ऐसे काम है क्या बोलना। और इस साइड को आ जाओ आप, ये हमारा यहाँ पे ये खेत है, और काफ़ी बड़ा खेत बच गया अभी भी। अगर इसमें हम साग सब्जियाँ उगाना चाहे तो बहुत कुछ उगा सकते हैं। और पार सामने है गांव, बिल्कुल सामने, ये देखो। और ये लोगों का खेत है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दिन सांप था यहाँ पे पार, जाली की परली साइड मक्की के खेत में। तो और ये नीचे साथ में ही रोड है, वो पहाड़ियाँ जो घर से भी आप लोग देखते हैं। तो इस तरह का यहाँ का कुछ नज़ारा है, ये देखो। तो अभी मैं आपसे कुछ राय लेना चाहूँगी, तो आप लोग बताना कि एक तो अपने बजट के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी आप बताना कि इसमें टाइल्स जो हैं रसोई में सारे में लगा दें, या वही पीवीसी सीट जो हमने पार बिछाई थी वो लगाएं, फ्लोरिंग मैट फ्लोरिंग वो, या फिर दीवारों में ही लगाएं, या कुछ भी आप अपनी राय ज़रूर देना सभी लोग, ठीक है। फिर जो मुझे ठीक लगेगा वो करेंगे, लेकिन फिर भी होता ही है ना कि थोड़ा सा एक आइडिया जैसा मिल जाता है। तो अभी मुझे पानी देना है यहाँ पे, मतलब अभी चिनाई जिन दीवारों की हो चुकी है उनको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है इसमें, इसकी वजह से फिर पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूती आती है। तो बताना मुझे कि कहाँ कैसे कहाँ कहाँ पर हम लोग क्या करें। तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी जो हमारा मेन दरवाज़ा लगा है उसका, और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर का ठीक रहता है। तो बस ये है, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ किचन का आपको। ये एंट्री है किचन की बाहर से, ये देखिए ये एंट्री है, और यह एक खिड़की साथ में ही है, ये देखो ये खिड़की साथ में, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, और यहाँ पर बनेगा हमारा खाना वगैरह। तो ये दाहिना साइड, ये इस साइड जो है दाहिना है, और ये साइड बाई है इस साइड। तो
मैं परे बोल रही थी कि परे बनाना, परले कोने में चूल्हा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ठीक रहेगा। और कुछ लोगों ने बोला था कि बाहर को निकालनी थी आपने अंगीठी, तो बाहर को यहाँ पे ऑप्शन नहीं था बाहर को अंगीठी निकालने का बिल्कुल भी। और वैसे भी अगर हम अंदर को अंगीठी निकालते हैं ना, तो यहाँ से सेल्फे कवर हो जाती हैं। सेल्फे तो फिर भी बनानी पड़ती है, सेल्फे तो आगे को ही आती है ना, जो सेल्फे में लगाते हैं ना वो तो आगे को ही आएंगी, तो ये अंगीठी फिर पीछे को रहती है, सेल्फे आगे को। तो इस वाली अंगीठी में जो है धुआं बहुत कम लगता है पीछे को, मतलब धुआं नहीं आता। लेकिन जो घर में है ना वो बहुत चौड़ी है, तो उस वजह से उसमें जो धुआं जो अंदर को आता था, तो इसको भी प्लस्तर होगा, मंदिर टाइप जैसा बन गया ये। और यहाँ पे मतलब पीछे पर से पौड़ियाँ लगेंगी, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से जो है हमने पौड़ियों के लिए जगह रखी हुई है नीचे को, ये देखो। जैसे यहाँ से उतरना हो तो यहाँ से खेत को जाना हो अपने, यहाँ पे नलका भी है, पैर पूर साफ करके यहाँ से हम ऊपर को आ सकते हैं, है ना। यहाँ से पौड़ियाँ नीचे को रखेंगे हम, नीचे जो नीचे बना हुआ है ना यहाँ को, और एक बाथरूम आ जाएगा नीचे। अभी नहीं बनाया हमने क्योंकि अभी मतलब हमारा बजट नहीं था इतना, तो अभी थोड़ा सा रुक लेंगे, काम के लिए रुकेंगे थोड़ा सा भी। और ये लैट्रिन बन गई यहाँ पे, ये देखो, ये बहुत ज़रूरी थी। और इस साइड इसलिए इस साइड नहीं बनाई क्योंकि गली छोड़नी पड़ेगी, पानी वगैरह पीछे से आएगा, तो वो उसको निकासी के लिए। ये मैं दिखाती हूँ, अभी इसमें मिट्टी भी चाहिए ना, इसमें सीमेंटेड होगी ये सारी, ठीक है। तो पानी आएगा इधर को, तो दिखती बात है कि पानी निकलने के लिए जगह तो चाहिए। तो ये बन गई हमारी लैट्रिन यहाँ पे, एक नीचे और एक तो अंदर बनेगी, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो ये पिछली साइड है घर की, तो इसलिए जो इस साइड पीछे को अंगीठी नहीं रखी हमने इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। और ये देखिए बस ये साइड भी बैठने को रह जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। यहाँ पे भी छोटी सी रसोई बनानी है हमने, बहुत बड़ी रसोई नहीं होती कुछ नहीं, और बस इसके साथ ही लगती सेल्फ में, बता दिया मैंने। उन भाई बहनों का वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये किससे कैसे धुआं खींचती है, तो चूल्हा इसके अंदर ही बनेगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ, अंदर ही बनेगा चूल्हा, और वो जो है ऊपर को धुआं ऊपर को जाता है, तो ऊपर जो जो वो रखे है ना स्पेस रखा है ईंटे साइडों साइडों से, तो वो धुआं उनसे अपने आप ऊपर को चला जाता है, निकल जाता है, इस वजह से चूल्हा काला नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सोच समझ के बनवाई है छोटी जैसी, नहीं तो हमारे बड़ी बड़ी गिठियाँ चिमनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, और एक चिमनी हम वहाँ पे इलेक्ट्रिकल लगा देंगे, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रसोई काली हो हमारी, गंदी हो। बिल्कुल भी गंदी नहीं करना चाहूँगी मैं सच्ची में, बहुत चिपचिपे जैसे हो जाते हैं सारे डब्बे वगैरह। और यहाँ पे हम जो है लगा देंगे अच्छे वाला, एक इलेक्ट्रिकल चिमनी होगी, और एक जो है ये धुएँ वाली चिमनी, ये दूसरे जो लोकल होती है हमारी देसी चिमनी होगी, तब फिर रसोई हमारी बिल्कुल ओके बन जाएगी। तो चलिए ठीक है, करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड, बहुत होगी। और कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर, बाकी अपनी राय देते रहना, और जो जो भी आपको लगेगा कि यहाँ पे ऐसा करो वहाँ पे ऐसा, और लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। जय माता दी।